बहनों एक भी भारतीय विकास से दूर रहे ये भी भारत को मंजूर नहीं है भारत में अभी तक तीन ऐसे प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिन्हें उनके काम नाम और पहचान के लिए खास तौर पर याद रखा जाएगा जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी और तीसरे नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जी को भारत में ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत रिकग्निशन मिला है वो कई बार टाइम्स मैगजीन के हंड्रेड सबसे इन्फ्लुएंशल लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं कई बार फोब्स की सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्या है नरेंद्र मोदी जी में जो वो वर्ल्ड वाइड एक स्ट्रांग लीडर बनकर उभरे हैं अगर इंग्लिश में कहें तो लार्जर देन लाइफ साइज हीरो ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स इसके पीछे एक बड़ा हाथ है उनके कम्युनिकेशन का जैसे वो दुनिया के सामने खुद को पेश करते हैं वैसे ही दुनिया उन्हें देखती है तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी जी के वो खास कम्युनिकेशन ट्रेड्स जिन्होंने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचाया लुक बात 2014 की है जब नरेंद्र मोदी नए नए प्रधानमंत्री बने थे मुझे याद है जब भी उनकी कोई स्पीच होती थी तो हम सब टीवी के सामने बैठ जाते थे ये जानने के लिए कि मोदी जी आज क्या नया बताने वाले हैं और इसके पीछे एक बड़ा रीजन था पीएम की भाषा का उनकी बोलचाल का जो छोटे बच्चे और बूढ़े दोनों ही सुनते थे दोनों ही सुनते थे आपने ये जरूर सुना होगा कि जैसा देश वैसा भेष वैसे ही जैसे लोग वैसी बात जब भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जिस भी एज ग्रुप से बात करी है उनकी ही भाषा में की है उनकी भाषा को वो अपना लेते थे जिससे वो लोगों का ध्यान तुरंत अपनी तरफ खींच लेते थे आप लोग टेंशन में है क्या देखिए एक तो एक भूल जाइए कि आप किसी प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं यह पक्का कर लीजिए कि मैं आपका दोस्त हूं दिस एक्चुअली है टू थाउजेंड एंड फोर्टीन इलेक्शन उस समय पर मोदी जी एक रीजनल लीडर से नेशन लीडर के ट्रांजिशन पर थे जिसमें उनके सामने कई चैलेंजेस आए एंड 63 की उम्र के नरेंद्र मोदी जी को यह पता था कि इस इलेक्शन में 150 मिलियन ऐसे वोटर्स हैं जो अपनी जिंदगी का पहला वोट देंगे माने कि बड़ी यूथ पॉपुलेशन जिसके चलते उन्होंने अपने शब्दों और अपनी स्पीचेस को उसी हिसाब से टेलर किया चेंज किया जो लीडर हमेशा गुजराती में बात करते थे तब उन्होंने यूथ की लैंग्वेज को अपनाया और जहां जरूरत पड़ी वहां इंग्लिश में भी बात करी जो कि उनके कंफर्ट जोन से बाहर थी यह टेक्निक ज्यादातर हर अच्छा पब्लिक स्पीकर यूज करता है चाहे वो बैरक ओबामा हो या फिर प्रियंका चोपड़ा जी हो द सेकेंड वन मोदी जी की जर्नी से हम सब वाकिफ हैं एक फैक्टर जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है वो है चाय बेचने से पीएम बनने तक का सफर और अपने इसी पॉइंट को उन्होंने अपनी ब्रांड पोजीशनिंग के लिए यूज किया वो हमेशा अपनी स्पीचेस में इस बात का जिक्र करते हैं यस yes. एक चाय वाला आपके दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा एक रुपया महीना के प्रीमियम पर जीवन और सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है नब्बे पैसे चाय बाला मैं चाय वाला हूं उसने मुझे मालूम है चाय भी नहीं आती नब्बे पैसे में जब हम ब्रांडिंग की बात करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है कंसिस्टेंसी का अगर आपकी मैसेजिंग सेम होती है तो लोग आपको याद रखते ही रखते हैं मोदी जी इज मैसेज हैज नॉट चेंज बोथ इज कम्युनिकेशन एंड एक्शन ही वॉन्ट्स टू मेक इंडिया ग्रेट दैट इज नॉट करप्ट इट केयर्स फॉर द पुअर एंड इज फॉर ईच वन ऑफ दॉइंट थ्री प्लस बिलियन इंडियंस ऑल्सो वो मै की जगह हम यूज करते हैं जिससे वो टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है इंस्टेड ऑफ वन वे वहीं जिस तरीके से उनकी स्पीच को लिखा जाता है उसके पीछे भी एक साइंस है बहुत लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि कौन लिखता है मोदी जी की स्पीच को और उसको कितने पैसे मिलते हैं इस बात का जवाब ढूंढने के लिए एक आर भी डाला गया जिसका जवाब पीएमओ से यह आया कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इवेंट्स वेरियस इंडिविजुअल्स ऑफिशियल्स डिपार्टमेंट्स एंटिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड इनपुट फॉर पी एम स्पीच एंड दीच इज गि फाइनल के हिसाब से मोदी जी अपनी स्पीचेस खुद ही लिखते हैं इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जो जिस तरीके से वो शब्दों के साथ खेलते हैं वो हमें याद रह ही जाता है ही नोज हाउ टू स्प्रिंकल मीडिया फ्रेंडली साउंड बाइट एंड पंच लाइन्स याद है ना साउंड बाइट्स वो शॉर्ट फ्रेजेस और सेंटेंसेस होते हैं जिसमें पूरे स्पीच का सेंस होता है एंड यही साउंड बाइट्स मीडिया ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं न्यूज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए क्योंकि okay, हमारी नीति में हमने कहा है हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर करे ये हम चाहते हैं हमारे पूर्वज तो सांप के साथ खेलते थे लेकिन हम माउस के साथ खेलते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ न्यूज में नहीं रहते हैं उनकी स्पीचेस के मीम टेम्पलेट भी बन जाते हैं जैसे ये मोदी मीम बहुत वायरल हुआ अरे हम तो फकीर आदमी है झोला लेके चल पड़ेंगे जी now talking about the non-verbal communication Modi ji has interestingly used his dominant persona and confidence through effective verbal as well as non-verbal language to catch the attention of the crowds he has created some of his trademark gestures like the V sign his hand on his forehead the clenched fist all signs of being assertive strong-willed and determined or bhot gaur karnasidikhe तो वो कुछ ऐसे हैंड जेस्टर्स हैं और साइंस भी हैं जो उनकी पर्सनालिटी की एक झलक दिखा ही देता है यहां तक कि उनके काफी सारे हैंड जेस्टर्स को नाम मिल चुके हैं जैसे मोदी वेव नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हैंड जेस्टर्स दैट ही यूज ऑफन एंड स्पीक्स अ लॉट अबाउट इस कॉन्फिडेंस दैट दिस हैंड जेस्टर The hand steeple gestures is typically used in situations where someone is feeling confident, knowledgeable, or superior. As you can see in this picture, PM Modi's hands are in lowered steeple gesture that is often used by people in positions of power, authority, such as managers, executives, or even politicians. It is a self assured and confident gesture that conveys a sense of control and dominance. The gesture can कैन ऑल्सो इंडिकेट द पर्सन इज इन डीप एक एनालिसिस था पी एम मोदी की बॉडी लैंग्वेज का इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी वो कौन सी ट्रिक्स हैं जिनसे पॉलिटिशियंस हम तक अपनी बात को पहुंचाते हैं आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो वेल इफ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी इन द कॉमन सेक्शन और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही किसी दूसरे पॉलिटिशियन की कम्युनिकेशन को डी कोड करूँ सो लेट मी नो इन द कॉमन सेक्शन Kiss key. Till then, stay awesome and stay productive. Also, subscribe to this channel if you haven't done so far. See you.